दोबारा बोलना पड़ेगा। तो वो जैसे कि आप बच्चों को क्या होता है, स्टूडेंट के साथ गलत कॉलेज मिल जाता है उनको, जैसे JP यहाँ पे एक अच्छा कॉलेज है, और कौन सी यहाँ पे अच्छा, सुन्नी यूनिवर्सिटी है, IEC यूनिवर्सिटी भी है यहाँ से, IEC नहीं है वो कहीं और होगी, लेकिन हिमाचल में ही है वो भी शायद IEC, ठीक है। ग्रेटर नोएडा में भी कॉलेज है, हम ग्रेटर नोएडा से, नाम सुना है क्या आपने ग्रेटर नोएडा? आप लोग कहाँ से? हिमाचल से ही। अच्छा अच्छा, तो आप कौन से ईयर में पढ़ते हैं, कौन से कोर्स में पढ़ते हैं? सेकेंड ईयर BLLB। आप तीनों? ठीक है ठीक है, BLLB। तो आप शिमला में कब से हैं? शिमला में 2 साल लग गए। 2 साल हो गए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जैसे हम फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं विदेशी कंपनी, तो क्या हम इंडियन यूथ इतना कैपेबल नहीं है कि हम अपने प्लेटफॉर्म बना सकें और उनको यूज़ कर सकें? सिक्योरिटी एक इशू है। हाँ हाँ हाँ, तो सिक्योरिटी एक इशू हो गया। और अभी आपने कोई स्वदेशी प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, कोई ऐप जो आपको अच्छी लगती हो? टेलीग्राम। टेलीग्राम कहाँ का ऐप है? तो बोलते हैं इंडिया का, पर फ्रांस का है शायद, या इंडिया का नहीं है टेलीग्राम? टेलीग्राम रशिया का है। रशिया का है, हाँ, मतलब फॉरेन कंट्री का ही टेलीग्राम। व्हाट्सएप है US का, है ना, जॉन की हमने बनाया था। फेसबुक ने उसको खरीद लिया। तो आपको टेलीग्राम एक पता है, टेलीग्राम में क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो आप व्हाट्सएप के अलावा टेलीग्राम पे यूज़ करते हैं? क्वालिटी पूरी भेजता है फोटो। हाँ हाँ, वो फोटो का साइज, फोटो का साइज पूरा भेजता है। हाँ हाँ, बाकी अब लोग अपने वो भी करते हैं, टीचिंग मतलब कि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और टेलीग्राम में सिक्योरिटी हाई है व्हाट्सएप से भी, व्हाट्सएप भी मतलब हाई है। और टेलीग्राम में क्या है कि टेलीग्राम में इंक्रिप्टेड, सबसे पहले इंक्रिप्शन टेलीग्राम में शुरू हुआ था, उसके बाद व्हाट्सएप लेके आया था। तो हमने जो बात ऐप बनाया है, आप एक बार यूज़ करके देखना, BAAT बात प्ले स्टोर पर, आपको वो पसंद आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसी क्वालिटी का लेवल का बनाया है। और अभी हम फर्स्ट वर्जन पे हैं, जैसे जैसे 1 साल 6 महीने हमें होगा तो हम उनसे भी बेटर बनाएंगे, लेकिन उसमें एक प्राउड हमें फील होगा कि हम स्वदेशी ऐप यूज़ कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप जो यूथ हैं, आप जैसे जो यूथ हैं या हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं, उनको ये बड़ी बड़ी कंपनी बनेंगी तो इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा सबको, है ना। जितनी ज़्यादा कंपनी देश में बनेंगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। विदेशी कंपनी टेलीग्राम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रही है, व्हाट्सएप वहाँ पे दे रही है, फेसबुक वहाँ पे दे रही है। अब कोई कंपनी वैसे आके यहाँ पे मैन्युफैक्चर करे तो वो अच्छा है, उससे एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा? हमको ही मिलेगा, प्लांट लगाएगी लोग तो यहीं चलेगी। लेकिन ये जो इंटरनेट पर आज़ादी का मुहिम है, इसका मोटिव ये है कि स्वदेशी ऐप यूज़ करिए, और जो ये $1 बिलियन यहाँ से लेके जा रहे हैं वो इंडिया में ही रहें, इंडिया के लोगों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। और वो टैक्स भी नहीं देते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, रूल्स हैं, जिससे वो टैक्स को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है, जिसके लिए हमने अपना 3 एंटरप्रेन्योर हैं हम, और हमने 16,000 किलोमीटर का इंडिया का टूर शुरू किया है, जो कि हम 600 किलोमीटर पूरा कर चुके हैं, इसलिए हम यूज़ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो हम आपको बताना चाह रहे थे वो ये है, matsite.com क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप यूज़ करिए और उस पर अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिए, आपको पसंद आएगा। मेरा नाम नमित है, मैं आपको रेगुलरली उस पर मिल जाऊँगा matsite पर, आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली। ये प्रशांत है, वो जावेद है, ठीक है। तो हम स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, और इवन ये तो अभी 3 ही है, और भी हम बना रहे हैं, और हम उतने प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे जो कि एक भी विदेशी कंपनी भारत में ना रहे। तो इस मुहिम से आप जैसे युवा हैं, हम इनसे अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी इस मुहिम से जुड़ें, और YouTube पे भी जाके, इंटरनेट पे आज़ादी, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह है, आप और अपने दोस्तों को भी, जैसे आपका कैंपस है, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम कैंपसेस में भी जा रहे थे, जैसे अभी आपके यहाँ कैंपस खुले हैं लेकिन हमें पता नहीं था यहाँ पे कैंपस खुले हैं, और बाकी जगह बंद है, एग्जामिनेशन के लिए खुले हैं, एग्जामिनेशन के लिए खुले, हाँ अभी रेगुलरली नहीं खुले हैं, ऐसा ही हमारे साइड भी हो रहा है। तो हम कॉलेजेस में जाएंगे 1 नवंबर के बाद, यूथ से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम कोरोना ख़त्म होने का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि अब इसमें हमें लेट नहीं करना है, और हम ये कर सकते हैं, हमने बना दिया है, अब आप लोग हैं या जो भी पीपल ऑफ इंडिया हैं, उनको इस पर डिसीजन लेना है कि हमें कब तक विदेशी ऐप की गुलामी करनी है, कब तक, मतलब कि ये एक बहुत, जैसे आप सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, अभी ट्विटर पे सभी जो मेजर बड़े बड़े CEO थे उनके अकाउंट हैक हो गए, नरेंद्र मोदी का भी अकाउंट हैक हुआ, आपने देखा। तो हैकर्स तो ऐसे हैं कि वो किसी भी चीज़ को हैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक जैसे हुआ, एक कोई पोस्ट फेसबुक पर डाला, कल की न्यूज़ है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक फेसबुक पर पोस्ट डाला कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक वायरल है, वायरल उसको हो गया था शायद, कोरोना नहीं था, ये कोरोना की न्यूज़ आई थी, कोरोना था, तो फेसबुक ने उसको हटा दिया।
तो ये इंटरेस्ट ऑफ यूएस पीपल के इंटरेस्ट को देखते हुए फेसबुक ने उसको हटाया, क्योंकि कोरोना की सीरियसनेस कम लगती है उनको, क्योंकि लोगों को लगता है कोरोना कुछ नहीं है, वायरल ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो फेसबुक ने अपने देश के लोगों के हित में एक डिसीजन लिया, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करता डोनाल्ड ट्रंप पूरे कंट्री को। वैसे ही अगर इंडिया में इंडिया के प्लेटफॉर्म्स होंगे तो जो कोई गलत पोस्ट कर रहा है, कोई गलत चीज़ फैला रहा है देश में युवाओं में, उन चीज़ को वो कंपनी कंट्रोल कर सकती है कि हमारे देश के हित में नहीं है, इसको निकालो, वो प्लेटफॉर्म से हटता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप, हमारे देश के हित में क्या है, वही पोस्ट वहाँ पे रहे, किस अकाउंट को ब्लॉक करना है, कौन गलत चीज़ें फैला रहा है, कौन पॉजिटिविटी फैला रहा है ना। यूट्यूब है, ये सब अपनी मनमानी चलाते हैं, किसी का चैनल डाउन कर दिया, किसी की ऐप डिलीट कर दी। तो कहने का मतलब है, हम एक तरीके से 1947 में देश में तो आज़ाद हो गए, ठीक है, फिजिकली, लेकिन इंटरनेट एक इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है जो हमारी इस दुनिया से बड़ी है, उस पर अभी हमको फ्रीडम चाहिए, उस पर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडिपेंडेंस मतलब हम खुद के प्लेटफॉर्म यूज़ करें, आप हमको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। सपोज आपको कोई इशू आया तो आप देखोगे, ये तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा ना, ये बच्चे हमारे देश के ही हैं, तो इनको जो इशू आ रहा है इसको सॉल्व किया जाए। अब फेसबुक के सीईओ को आप कितने भी मैसेज कर लो कि आपको रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं करेगा ना। तो हम ज़बरदस्ती उनके पीछे जा रहे हैं, ऐसा समझिए एक तरीके से। ज़बरदस्ती कहने का मतलब ऐसा हो गया ये जैसे कि कोई हमारा दोस्त है और वो हमसे दोस्ती तोड़ना चाह रहा है और हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है। और वो साइड पर जो यूथ जुड़ा हुआ है वो इतना खुश और इतना अच्छा मतलब फील करता है कि स्वदेशी प्लेटफॉर्म है। और आप देखिए कि क्वालिटी कहीं ना कहीं इन प्लेटफॉर्म से इक्वली है, आप अगर यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट में, ये medsite.com है, इस पर दिखाओ ना आगे, भारत का सोशल नेटवर्क, ठीक है। देखो स्टोरी है, इस पर सर्च है, इंटरनेट पर आ जाती है, ये मैंने सर्च किया इंटरनेट पर आ जाती है, ठीक है। हम इस पर रेगुलर अपने टूर की पोस्ट डाल रहे हैं, हाँ। आप इसकी क्वालिटी मेजर करना है एक मिनट में, आपको कैसा लगता है। और टेक्स्ट, फोटोज़, वीडियोस आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ फ्रेंड्स जो आ रहे हैं वो दिख रहे हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फोटो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये बस शुरुआत है, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फील आ रहा है कि आप कोई दूसरी ऐप यूज़ कर रहे हैं। तो यूनिक क्या होगा इसमें? यूनिक है इसमें दो चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं। मैं तो कॉपी नहीं बोल देंगे इसको कि फेसबुक की कॉपी। नो, एक्चुअली आप ट्विटर देखिए, लिंक्डइन देखिए, सब कुछ एक जैसा ही है, बस वो कीवर्ड हल्का सा सिंबल चेंज है। ट्विटर पे क्या हो रहा है, फोटो अपलोड हो रहा है, वीडियो अपलोड हो रहा है। लिंक्डइन पे क्या हो रहा है, फोटो अपलोड हो रहा है, वीडियो अपलोड हो रहा है। लिंक्डइन पे भी लाइक है, कमेंट है, शेयर है। फेसबुक पे लाइक, कमेंट, शेयर। तो ये जो डिज़ाइन है ये कॉपी तब होता है जब उनका सेम एटीट्यूड कॉपी कर लिया, लेकिन जो हमारी थीम है वो अलग होनी चाहिए। इंटरनेट पर फ्री है, इंटरनेट पर आप ऐसे बाउंडेशंस नहीं है, इंटरनेट के इस तरह के रूल्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि नमित भाटी है ना, तो इस पर ब्लू टिक भी हम देते हैं जो सेलिब्रिटी होते हैं या जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं जो कुछ उनको, और हम उन्हीं को ब्लू टिक देंगे जो रियल हीरोज़ हैं। ऐसा नहीं किसी को भी ब्लू टिक दे दिया, और हम इस मुहिम में रियल हीरोज़ भी फाइंड आउट कर रहे हैं। रियल हीरोज़ का मतलब जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, जो युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, जो मेहनत का काम कर रहे हैं, चाहे वो एक सड़क पर बैठा हुआ कोई छोटा सा आदमी हो, अगर वो मेहनत कर रहा है तो वो युवाओं तक हमें पहुँचाना है। अभी तो हमारी मुहिम बहुत शुरुआत हुई है, हम 16,000 किलोमीटर चले जाएंगे तो बहुत लोगों तक हम पहुँचेंगे यूट्यूब के थ्रू या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, क्योंकि हमारे पास अभी और ऑप्शन भी नहीं है। तो हम खुद भी YouTube जैसे प्लेटफॉर्म बनाएंगे आगे चल के। तो ये हो गया, जैसे ये मेरा हो गया, और क्या दिखाऊँ मैं आपको, ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है ना, ये एक्टिविटी से नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो ये 2018 में बना था, और अब स्वदेशी ऐप्स का जो एनवायरनमेंट बना है, जो आत्मनिर्भर भारत का एनवायरनमेंट बना है, इसमें हम आप जैसे युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि आप स्वदेशी ऐप्स को यूज़ करिए। जैसे बात में आपको दिखाता हूँ, ये हमारा बात ऐप है, ठीक है। इसमें आप देखिए बिल्कुल सही, ठीक है, कॉल, वीडियो कॉल है ना। परमिशन क्या क्या ग्रांट लेता है, परमिशन क्या क्या लेता है? मोबाइल नंबर और OTP, जो मोबाइल पर, हाँ, गैलरी की परमिशन तब लेगा जब आप फोटो शेयर करोगे, उससे पहले नहीं लेगा। सिक्योरिटी साहब वो हम, आप ऐसे समझिए कि आप हमारी फैमिली हो। ये जो एक प्लेटफॉर्म्स हैं ये फैमिली की तरह ट्रीटमेंट होगा, इस पर किसी के साथ गलत नहीं होगा। अभी वो कर सकते हैं, वो करते भी है, उन्होंने आपके 17 लाख फेसबुक डेटा लीक हुआ, कभी मिलियंस इंस्टाग्राम यूज़र का डेटा लीक हुआ, वो तो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया, इस पे एक और लिमिट हुआ टेलीग्राम जैसी है कि इस पे आप 1GB, 2GB, 10GB कितने का वीडियो भेज सकते हैं। इसके ग्रुप की लिमिट 1 लाख है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे बढ़ा भी देंगे इसको, और इस पे कोई बाउंडेशंस नहीं है।
यू कैन फ्रीली प्ले। और गवर्नमेंट के जो बाद में अगर कुछ बाद में जब भी है आप अगर ज़्यादा फेमस होता है तो गवर्नमेंट जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाती है उसके लिए जब देखा जाएगा तो गवर्नमेंट से भी बात की जाएगी, जैसे व्हाट्सएप पे 5 को शेयर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो वो फेक न्यूज़ को रोकने के लिए स्टेटस है, कॉल्स है, सारी चीज़ें ग्रुप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर आपकी फैमिली में कोई भी है, ये हम आपको इसलिए कि आपको जो यहीं पर एक माइंड सेट आपका बन जाए, एडमिशन लैब्स है एनी कोर्स अराउंड द ग्लोब, सीधे जाइए सर्च करिए कॉलेज का नाम। ठीक है, अभी इस पर डेटाबेस ऐड हो रहा है, हो सकता है आपके आपके कंट्री में हम ना पहुंच पाए हों स्टेट में, यहाँ से जाइए 111,000 फीस है बीटेक कंप्यूटर साइंस, गेट एडमिशन पे जाएंगे तो आप फॉर्म भरेंगे पे करेंगे, अगर आप यहाँ से शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप से, तो आप जैसे यूथ जो कि कॉलेज में रहते हुए भी पैसा कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, अभी कुछ एजेंट्स हैं जो एडमिशन कराते हैं वो पैसा कमाते हैं लाखों करोड़ों, आप जैसा यूथ फर्स्ट ईयर में है, अब आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया उसी कॉलेज से हमारा टाई अप है, और अब आप किसी अपने भाई को रेफ़र करते हैं कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन ले ले, वैसे भी रेफ़र करेंगे आप, आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, सब कुछ मिलेगा कॉलेज को। हम क्या करते हैं कि जो रेफ़र करता है, जैसे मैंने अभी ये शेयर कर दिया, ये मैं प्रशांत को शेयर कर देता हूँ, मैंने प्रशांत को शेयर कर दिया, ठीक है, तो क्या आया, GNIIT ग्रुप ऑफरिंग एडमिशन फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग BTech। ठीक है, यहाँ से प्रशांत जाएगा और प्रशांत यहाँ पे जाके एडमिशन लेगा, तो इसमें हमें पता चल जाएगा किसने शेयर किया था और किसने एडमिशन लिया और कितनी फीस जमा करी और आपको कितना देना है। तो आपके अकाउंट में अगर यहाँ से आप जाएंगे, सबसे पहली बात तो एज ए स्टूडेंट अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपको पहले लॉगिन करते ही 50,000 का वॉलेट अमाउंट मिलता है, ये जैसे मैं यहाँ से करता हूँ, ये देखिए वॉलेट अमाउंट एवरी स्टूडेंट जो भी साइन अप करेगा। अब आपको किसी भी कोचिंग में ट्रेनिंग करनी है, अब आपको BLL भी कर रहे हैं, आपको सपोज दिल्ली में कोई ट्रेनिंग करनी है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, या कहीं और कोई ट्रेनिंग करनी है, या हिमाचल में ही सपोज करनी है, आप हमारी टीम को बुलाओ, बोलेंगे मुझे इस इंस्टीट्यूट में जाना है, हम उस इंस्टीट्यूट को बोलेंगे कि हमारा थ्रू ये स्टूडेंट आ रहा है, आप इसको कोचिंग में डिस्काउंट दीजिए, आप इसको फीस में डिस्काउंट दीजिए, वो डिस्काउंट आपके वॉलेट अमाउंट से कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, इसमें आप एज ए स्टूडेंट साइन अप कर सकते हैं, एज ए काउंसलर साइन अप कर सकते हैं। तो ये है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का तरीका, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ख़त्म होता है, ऐसे ख़त्म होने का मतलब हमने हर स्टूडेंट को काउंसलर बना दिया, एंड काउंसलर बन के वो अपनी फीस कमा सकता है पूरे साल में। क्या करना है, बस अपने आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनको बस एडमिशन लेव से शेयर करना है कोर्स, जहाँ भी वो एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी में लो, हम जो कंफ्यूज हैं बच्चे, हम चाहते हैं कि सारे बच्चे अच्छे कॉलेज में ही जाएं, प्लेसमेंट मिले उनको। थोड़ा लंबा डिस्कशन हो रहा है लेकिन डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिस कॉलेज से हैं आप वहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है, और आपके फ़ायदे का भी, तो ये मैसेज हम YouTube से दे रहे हैं कि रीच उसकी ज़्यादा धीरे धीरे सब जुड़ेंगे, तो मेरी आपसे यही अपील है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप करिए उसको जो कमियाँ मैसेज करके हम उनको नोट डाउन करके इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी ये प्लेटफॉर्म उनसे 10 गुना अच्छे होंगे, 10 गुना सेफ, समझ रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। आपका? और आप? यशवीर। ये सिद्धार्थ, यशवीर और सूरज हमारे साथ हैं उत्तरांचल हिमाचल यूनिवर्सिटी से। थैंक यू सो मच।